एक बार औरंगजेब बनारस के करीब से गुजर रहा था। सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन के लिए काशी आए। विश्वनाथ दर्शन कर जब लोग बाहर आए तो पता चला कि कच्छ के राजा की एक रानी गायब है। खोज की गई तो मंदिर के नीचे तहखाने में वस्त्राभूषण विहीन भय से त्रस्त रानी दिखाई पड़ी। जब औरंगजेब को पंडों की यह काली करतूत पता चली तो वह बहुत क्रुद्ध हुआ और बोला कि जहां मंदिर के गर्भगृह के नीचे इस प्रकार की डकैती और बलात्कार हो, वो निस्संदेह ईश्वर का घर नहीं हो सकता। उसने मंदिर को तुरंत ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। ये अंश है मशहूर इतिहासकार डॉक्टर विश्व अंबर नाथ पांडे की किताब का। नाम है भारतीय संस्कृति, मुगल विरासत, औरंगजेब के फरमान, जिसके पेज नंबर 119 और 120 में पट्टाभि सीतारमैया की किताब फेदर्स एंड स्टोन्स का रेफरेंस देते हुए विश्वंभर नाथ पांडे विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने के बारे में बताते हैं। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। करीब 250 साल पहले इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण करवाया था। रानी अहिल्याबाई के योगदान का शिलापट और उनकी एक मूर्ति भी श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रांगण में लगाई जाएगी। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास और रानी अहिल्याबाई होलकर की भूमिका के बारे में। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर शिव और पार्वती का आदि स्थान माना जाता है। महाभारत और उपनिषदों में भी इसके कोटेशन मिलते हैं, लेकिन ये काशी वाला ही विश्वनाथ मंदिर है ये बात कम इतिहासकार मानते हैं। लेकिन कहा जाता है कि 11वीं सदी के अंत में जिस विश्वनाथ मंदिर को मोहम्मद गौरी ने लूटा और तुड़वाया था, वो यही काशी विश्वनाथ मंदिर था। इतिहासकारों के मुताबिक गौरी के कराए मंदिर विध्वंस के बाद इसे दोबारा बनवाया गया, लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान ने तोड़ दिया। इसके बाद साल 1585 में अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार करवाया। राजा टोडरमल ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी पंडित नारायण भट्ट को। भव्य मंदिर बनाया गया और इस बात पर ज्यादातर इतिहासकार सहमत भी हैं। कहा जाता है ये दौर अकबर के दीन इलाही धर्म का था, जिसके मुताबिक किसी भी धर्म की पूजा पद्धतियों पर कोई विशेष रोक नहीं थी और ना ही धार्मिक स्थलों के निर्माण पर। अकबर ने खुद इस मंदिर के निर्माण के आदेश दिए थे, लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि राजा टोडरमल की अकबर के दरबार में मजबूत स्थिति थी इतनी कि उन्हें मंदिर निर्माण के लिए अकबर की अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद आया साल 1669। औरंगजेब का शासन चल रहा था। औरंगजेब अकबर के चलाए दीन इलाही के खिलाफ था। उस दौर में कई मंदिर तोड़े गए। इतिहासकार एलपी शर्मा की किताब मध्यकालीन भारत के मुताबिक 1669 में सभी सूबेदारों और मुसाहिबों को हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ देने की आज्ञा दी गई। इसके लिए एक अलग विभाग भी खोला गया। ये तो संभव नहीं था कि हिंदुओं की सभी पाठशालाएं और मंदिर तोड़ दिए जाते, लेकिन बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, पटना का सोमनाथ मंदिर और प्राय सभी बड़े मंदिर, खासतौर पर उत्तर भारत के मंदिर इसी समय तोड़े गए। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनी, या औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़वाया तब कुछ साल बाद उसके अवशेषों पर बनी, या अकबर के वक्त जब दीन इलाही मत के अनुसार टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया उसके साथ ही बनी, इस बारे में भी इतिहासकारों में बहुत मतभेद हैं। बीबीसी के मुताबिक विश्वंभर नाथ पांडे अपनी किताब में लिखते हैं, विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने के औरंगजेब के आदेश का पालन हुआ, लेकिन जब यह बात कच्छ की रानी और आमेर के कछवाहा शासक की पत्नी ने सुनी तो उन्होंने उसके पास संदेश पहुंचाया कि इसमें मंदिर का क्या दोष है, दोषी तो वहां के पंडे हैं। विश्वंभर आगे लिखते हैं, रानी ने इच्छा प्रकट की कि मंदिर को दोबारा बनवा दिया जाए, लेकिन औरंगजेब के लिए अपने धार्मिक विश्वास के कारण फिर से नया मंदिर बनवाना संभव नहीं था, इसलिए उसने मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी करके रानी की इच्छा पूरी की। इसके बाद साल 1777 आता है और इंदौर के होलकर राजघराने की रानी अहिल्याबाई होलकर विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने का प्रण लेती हैं और अगले 3 साल में वे मंदिर बनवा देती हैं। यूं तो रानी अहिल्याबाई का शासन इंदौर जैसे एक छोटे से राज्य पर ही था, लेकिन उन्होंने देश के कई इलाकों में डेवलपमेंट के काम करवाए। उस दौर में उन्होंने इंदौर से लगाकर देश के दूसरे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा जितना काम करवाया उसे डेवलपमेंट का मॉडल तक माना जाने लगा था। उन्होंने कई तालाब, सड़कें, नदियों के किनारे घाट और मंदिरों के पुनर्निर्माण का काम करवाया था।
अहिल्याबाई होलकर एक सफल शासक और कूटनीतिज्ञ थी, लेकिन इतिहासकारों की माने तो उनकी धार्मिक प्रवृत्ति और मंदिरों के प्रति उनके श्रद्धा भाव के चलते उन्हें संत भी कहा जाने लगा था। अहिल्याबाई होलकर राजघराने के संस्थापक मल्हार राव होलकर के बेटे खंडेराव होलकर की पत्नी थी। 1733 में अहिल्याबाई की शादी खंडेराव से हुई थी, लेकिन 1754 कुंभेर के युद्ध में खंडेराव की मृत्यु हो गई। 12 साल बाद मल्हार राव होलकर भी नहीं रहे। इतिहासकारों के मुताबिक मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर कई कोशिशें की थी। इनकी कोशिशों को देखते हुए ही साल 1770 में दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय यानी अली गौहर ने मंदिर विध्वंस की क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन तब तक काशी पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया और मंदिर का काम रुक गया। ससुर मल्हार राव गुजर ही चुके थे। 2 साल बाद अहिल्याबाई के इकलौते बेटे मालेराव का भी 21 साल की उम्र में देहांत हो गया। अब इंदौर का शासन पूरी तरह अहिल्याबाई के हाथों में था। साल 1777-80 के बीच रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर निर्माण की कवायद दोबारा शुरू की और सफल भी हुई। अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह को फिर से बनवाया और शास्त्र सम्मत तरीके से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। आज तक की खबर के मुताबिक काशी के बारे में जानकारी रखने वाले प्रोफेसर राणा वीपी सिंह कहते हैं, रानी का योगदान अतुलनीय है। रानी अहिल्याबाई ने शास्त्र सम्मत तरीके से शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। एकादश रुद्र के प्रतीक स्वरूप 11 शास्त्रीय आचार्यों द्वारा प्राण के लिए पूजा की गई। रानी ने शिवरात्रि से इसका संकल्प किया और शिवरात्रि पर ही मंदिर खोला गया। इससे रानी के विजन और सनातन संस्कृति के प्रति निष्ठा का पता चलता है। काशी से अगर विश्वनाथ को अलग करें तो कुछ नहीं बचेगा। मंदिर जब क्षतिग्रस्त किया गया तब रानी अहिल्याबाई मानो अन्नपूर्णा के आशीर्वाद स्वरूप वहां पहुंची और मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। काशी में विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के अलावा रानी अहिल्याबाई ने यहाँ कई घाट भी बनवाए। रानी अहिल्याबाई के नाम से यहाँ अभी भी घाट हैं। अहिल्याबाई के बाद पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सोने का छत्र बनवाया। कहा जाता है ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने भी मुख्य मंदिर का मंडप बनवाया था। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शिवेंद्र। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।